नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। कैंडलस्टिक एनालिसिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस शॉर्ट वीडियो में हाउ टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट कैंडलस्टिक, नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट करने का बहुत ही इजी तरीका शेयर कर रहा हूँ, जो बाइनरी ट्रेडर्स के लिए बेस्ट बाइनरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट कैसे करते हैं ये समझते हैं। आज का ये स्ट्रैटेजी के लिए बाई करने के लिए, अप करने के लिए इस तरह चार रेड कैंडल्स होना चाहिए। ऐसा चार रेड कैंडल्स होने के बाद ऊपर जाता है मार्केट, दूसरा कैंडल ग्रीन बनता है, उसका क्या कंडीशंस है वो अभी हम समझेंगे। और उसी तरह लोअर करने के लिए, पुट करने के लिए इस तरह चार ग्रीन कैंडल्स होना चाहिए। और ऐसा कंडीशन मीट करके ये लास्ट कैंडल बनता है, तो उसके बाद नीचे ही जाता है दूसरा कैंडल। अब हम समझते हैं कंडीशन। जैसे ये चार रेड कैंडल्स में से पहला तीन रेड कैंडल्स को देखना है, इसका हाइट देखना है। जैसे पहला जहां पर ओपन हुआ और तीसरा जहां क्लोज हुआ, पहला ओपन से तीसरा क्लोजिंग तक का जितना हाइट है उतना हाइट बराबर का ये चौथा रेड कैंडल बनता है, उतना हाइट बराबर ये नीचे आकर क्लोज होता है, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। उसी तरह लोअर करने के लिए पहले तीन ग्रीन कैंडल्स होने चाहिए और उसके बाद चौथा ग्रीन कैंडल्स जो है यहाँ ओपनिंग से तीसरा क्लोजिंग तक का हाइट बराबर का ऊपर जाके क्लोज होता है, तो मार्केट नीचे आता है। लेकिन ये जो तीन कैंडल्स हैं इसमें डोजी नहीं होना चाहिए, ये जो तीन कैंडल्स हैं इसमें डोजी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है ये डोजी बना, इसको हम तीन काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर दो डोजी बने, इसको हम तीन काउंट नहीं कर सकते। आज का ये स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, ये लास्ट वाला बड़ा वॉल्यूम का बनता है, तीन बराबर का वॉल्यूम का बनता है, तो मार्केट ऊपर जाता है। अब ऐसा डोजी बनने के बाद यहाँ देख सकते हैं ये तीन कैंडल्स हुए, यहाँ पर बीच में दो डोजी थे, तो इतना बराबर का हाइट ऊपर जाने के लिए इतना बड़ा भी नहीं बनना पड़ेगा। यहाँ इसका आधा बनता है तो भी ये तीन का हाइट बराबर का बन जाता है, इसलिए ये वैलिड नहीं होगा, डोजी नहीं बनना चाहिए, एटलीस्ट स्क्वायर में होना चाहिए। बड़ा जितना भी बने कोई बात नहीं है, ये तीन कैंडल्स में जितना भी बड़ा बने लेकिन ये चौथा उतना हाइट बराबर नीचे आना चाहिए। अब हम चार्ट में एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये इजी ट्रेडिंग टिप्स का लाइव चार्ट है, मार्केट आज क्लोज है, आज सैटरडे और संडे इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट क्लोज होता है, इसलिए यहाँ पर अभी मूवमेंट नहीं है, ये फ्राइडे कल का है। यहाँ देख सकते हैं ये चार रेड कैंडल्स हैं, ग्रीन के बाद चार रेड कैंडल्स चाहिए, उसमें पहला एक दो तीन कैंडल्स देखना है और उतना बराबर का हाइट ये चौथा कैंडल ने यहाँ ओपन होके यहाँ क्लोज हुआ उतना बराबर का हाइट इसने दिया। ये मेजर आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये डाउन आया तो हम यहाँ शॉर्ट पोजीशन लेंगे, ये मार्केट यहाँ चौथा कैंडल यहाँ ओपन हुआ था और क्लोजिंग यहाँ पर हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। उसी तरह पहला ओपनिंग यहाँ हुआ था और क्लोजिंग यहाँ हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं 0.08% था ये तीन रेड कैंडल्स। अब यहाँ पर ग्रीन देखिए 0.09 है, अगर ये 8 होता है तो भी ठीक है, 8 होता इतना होता, ये कहाँ तक 8 आता है, इतना होता तो भी ठीक है। यानी ये तीन रेड कैंडल्स बराबर का ये एक सिंगल रेड कैंडल ने उतना वॉल्यूम दिया हमें, यहाँ पर हम वॉल्यूम देखते हैं, उतना वॉल्यूम इसने मार्केट नीचे डाउन आया और इसके बाद क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बना। ये हमेशा बनता है, प्राय ये बनता है, अगर ये नहीं बना, ये भी छोटा रेड बना, इतना बड़ा तो बनेगा ही नहीं, बाद में पांचवा कैंडल छोटा सा रेड बना तो भी उसके बाद का ग्रीन बनता है। तो दो स्टेप के अंदर यहाँ ग्रीन कैंडल आपको मिलेगा ही। जैसे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, ये दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ एक डोजी था, ये काम करता है, एक दो तीन कैंडल्स हुआ, इतना हाइट बराबर का इसने हाइट दिया, यहाँ से इतना हाइट बराबर का ये एक कैंडल ने दिया, तीन कैंडल का जितना हाइट था उतना एक कैंडल ने हाइट दिया, इसके बाद रेड बना वो ठीक है, लेकिन ये डोजी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट स्क्वायर में होना चाहिए। स्क्वायर का यहाँ देख सकते हैं, ये कैंडल स्क्वायर पे था, जैसे ये कैंडल है इसका बॉडी देखिए स्क्वायर में है, चौड़ाई और लंबाई बराबर का होता है, जैसे मिनिमम एटलीस्ट इतना बड़ा होना चाहिए, चौड़ाई और लंबाई बराबर होता है तो वो स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ डोजी था, ये लगभग दो कैंडल बराबर हुए, तो इसलिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, यहाँ पर हमें चौथा का वॉल्यूम देखना है, देखिए ये वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पर आप वॉल्यूम भी मत देखिए, बस तीन कैंडल्स, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया,
यहाँ पर तीन ऐसे कैंडल्स, इससे बड़े जितने भी हो कोई बात नहीं, लेकिन चौथा उतना बराबर का हाइट नीचे आकर क्लोज होना चाहिए हायर करने के लिए, अप करने के लिए। तो सेल के लिए उसका ऑपोजिट होगा। तो ये आज का स्ट्रैटेजी है। एक और इसी तरह का स्ट्रैटेजी है जिसका सक्सेस रेट आज तक मैंने जितने स्ट्रैटेजी शेयर किया है उन सभी में सबसे ज्यादा सक्सेस रेट मिलेगा, यानी वो प्रीमियम स्ट्रैटेजी है। और उस स्ट्रैटेजी को फिल्टर करने का आवश्यकता भी नहीं होगा। ब्लाइंडली ट्रेड करेंगे तो भी आपको 10 में से 9 ट्रेड्स विन होंगे। और उसका टॉपिक बाइनरी ऑप्शंस स्ट्रैटेजी विदाउट लॉस बोलकर रहेगा। वो स्ट्रैटेजी जल्दी शेयर करने के लिए आपको कमेंट्स करना है। आपके 20-25 कमेंट्स अगर परसों तक आते हैं तो उस स्ट्रैटेजी का वीडियो परसों अपलोड कर दूंगा, नहीं तो जब आपके एटलीस्ट 20 कमेंट्स पूरे होंगे तब मैं ये स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।